हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है APGT नागरिक शास्त्र का भाग 47 है। तो अगर आप TGT, PGT और LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 61 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान में राष्ट्रपति को राज्य भाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? संविधान में राष्ट्रपति को राज्य भाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? ये आपको बताना है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में जो है ये उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति को राज्य भाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, तो एक किसमें किया गया है? अनुच्छेद 344 में। और जो अनुच्छेद 343 है फ्रेंड्स, वो राज्य भाषा से संबंधित है, तो आप इसको याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राज्य भाषा से संबंधित सलाह देने के लिए राज्य भाषा आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। उसके अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष के भीतर तथा 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन करेगा जो राज्य भाषा से संबंधित सलाह देगा। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? ऑप्शन एक है मैक्स वेबर, ऑप्शन दो है लास्की, ऑप्शन तीन है डेविड हेल्ड, ऑप्शन फोर है लासवेल। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नंबर एक हो जाएगा मैक्स वेल। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मैक्स वेल। मैक्स वेल ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। व्याख्या देखते हैं। मैक्स वेबर ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है, अर्थात राज्य ऐसी संस्था है जो एक निश्चित भू क्षेत्र में विधि सम्मत बल प्रयोग पर शक्ति रखती है। आगे देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन है, सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ, इसकी विषय वस्तु की थीम क्या थी? सार्क संगठन जो दो पंद्रहवा शिखर सम्मेलन था वह अगस्त 2009 में कोलंबो में संपन्न हुआ, इसका विषय वस्तु क्या था? ऑप्शन एक है समावेशी विकास, ऑप्शन दो है भागीदारी के माध्यम से विकास, ऑप्शन तीन है पर्यावरणीय विकास, ऑप्शन फोर है स्वदेशी तकनीकी से विकास। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 63 नंबर का वो हो जाएगा आपका दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा दोस्तों, भागीदारी के माध्यम से विकास। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन, ये आपका 2009 वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, PGT जो प्रवक्ता एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। इस समय सार्क का जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं या किसी देश का, तो उसका आपको क्या करना है कि जो थीम है, थीम को याद रख लेना है। हर किसी के सम्मेलन के जो भी थीम हो रहे हैं, सार्क के या मतलब दक्षे इसको बोलते हैं, नाटो हो गया, या आपके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो गया, या निरपेक्ष जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन है, इन सबसे जो संबंधित है, जो भी है आपका नया G20 हो गया, तो उन सब के बारे में आप इनके थीम को करंट अफेयर से नोट कर लीजिए। थीम सभी जो भी हमारे संगठन है, WHO है, सबको आपको जुड़ने का है, सबका आपको थीम इस समय का जो 21 चल रहा है या 20 चल रहा है, 2 साल इधर 2 साल उधर, आपको क्या करना है? लिखकर याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। हमको नहीं मालूम है क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लेकिन ये क्या करना है,
हमारे पास ये नज़रिया होना चाहिए कि पिछले साल का पेपर देखें और पेपर देखकर ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करें कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। तो क्वेश्चन इस संगठन से उठा रहा है दोस्तों, तो संगठन में उसके थीम, उसके स्थापना कब हुई थी, कौथा है, कौथा शिखर सम्मेलन है, कौन सा सम्मेलन है ये, और इस समय के अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है वर्तमान, इन सब से क्वेश्चन उठा रहा है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ने की ज़रूरत है, यहाँ से आप नोट करते ले चलिए और नोट्स बनाते चलिए। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, सार्क का गठन वर्ष 1985 में हुआ, जिसका 15वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ। इस सम्मेलन की विषय वस्तु भागीदार के माध्यम से विकास है। 18वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2016 में इस्लामाबाद में प्रस्तावित था, जो बाद में निरस्त हो गया था। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? ऑप्शन एक है फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन दो है स्टालिन, ऑप्शन थ्री है ग्रामसी, ऑप्शन फोर है कास्टी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 64 नंबर का, तो 64 नंबर का आपका आंसर है दो, आपका स्टालिन आपका आंसर है, इसको आप याद रखेंगे। व्याख्या देखिए, स्टालिन ने सर्वप्रथम राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखता है। उसने प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म में राष्ट्रवाद संबंधी विचार को अभिव्यक्त किया है। ये पुस्तक उनकी है, प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म उनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में राष्ट्रवाद संबंधी विचार को अभिव्यक्त किया है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का उपबंध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध है ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, ऑप्शन दो है धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने पर निषेध, तीसरा है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन फोर है अल्पसंख्यकों की समानता का निषेध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का नंबर वन सही हो जाएगा, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, संविधान जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 है उसका संबंध इसी से है, धार्मिक शिक्षा का निषेध से। क्वेश्चन व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के निषेध का उपबंध किया गया है। आगे देखिए, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन एक है संविधान का 52वां संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन, जनप्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संविधान संशोधन, संविधान का 74वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है उसने दल बदल पर जो निर्वाचन है उस पर प्रतिबंध लगाया है, ऐसा उपबंध किया गया है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानूनी विषयक प्रावधान है, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है, यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली से में ही पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? ऑप्शन एक है राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, सम्राज्ञी, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 4 सही हो जाएगा। 67 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो 4 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। व्याख्या देखिए, संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम भी देते हैं। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया है? जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन एक है जीवन को, ऑप्शन दो है समानता को, ऑप्शन तीन है स्वतंत्रता को, ऑप्शन फोर है संपत्ति को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, समानता को। समानता को उन्होंने नहीं स्वीकार किया है। व्याख्या देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक जॉन लॉक हैं। उन्होंने अपनी रचना 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। किसको किसको किए हैं? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, संसाधनात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? ऑप्शन एक है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा संसद। आंसर क्या हो जाएगा? संसद। व्याख्या देख लीजिए, संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु संसद होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व संसद के समर्थन पर निर्भर करता है, अर्थात कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित होती है। अर्थात कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो संसद में निहित होती है। आगे देखिए, बिम्सटेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ कहाँ हुआ था? ऑप्शन एक है डरबन में, ऑप्शन दो है कोलंबो में, ऑप्शन तीन है नई दिल्ली में, ऑप्शन फोर है रियो डी जनेरियो में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, नई दिल्ली में। व्याख्या देखिए, बिम्सटेक अर्थात बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। बिम्सटेक का दूसरा शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके 7 सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार।